अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं आलू समोसा। तो चलिए इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले जो मुझे इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले हम वो देख लेंगे। आलू समोसा बनाने के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है मैदा 2 कप, नमक 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, घी 4 टीस्पून, पानी, स्टफिंग के लिए पटेटो 4, ऑनियन 1, ग्रीन चिली 1/2 कप, नमक 1/2 टीस्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, ऑयल फॉर फ्राइंग और गार्लिक, और सर्व कर रही हूँ मैं इसे टमेटो सॉस के साथ। तो चलिए हम समोसों के लिए आटा गूंथ लेते हैं। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसी में हम डालेंगे ज़ीरा, नमक और घी। अब आप इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब आपको लगेगा कि जो आटा है वो शेप लेने लगा है, तो समझ लीजिएगा कि जो हमने इसमें घी डाला है उसकी क्वांटिटी सही मात्रा में हुई है, देख लीजिए। तो चलिए अब हम इसमें पानी डाल के इसे गूंथ लेंगे जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथ लेते हैं। अब हम इसे ऊपर से घी लगाएंगे, आप चाहो तो ऑयल भी लगा सकते हो, और इसे रखेंगे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर, और तब तक हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने आलू को उबाल के रख दिया है। आलू को हमने अच्छे से मैश कर दिया है, तो चलिए अब हम इन्हें तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, इसी में हम डालेंगे लहसुन और प्याज। तो लीजिए, हो गई हमारी आलू समोसा के लिए स्टफिंग तैयार, जो हमने आटा गूंद के रखा था। 15 मिनट हो गए हैं।
तो लीजिए, हमने समोसे बना दिए हैं, तो करते हैं अब हम इन्हें डीप फ्राई। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई को इंडक्शन पे रख दिया है। तो लीजिए, हो गए हमारे गर्मा गर्म समोसे तैयार, और मैं इसे सर्व कर रही हूँ टमेटो सॉस के साथ। तो चलिए, मैं इंजॉय करती हूँ अपने समोसे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बोल दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।